हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर हस्बैंड है, फ्यूचर वाइफ है, और कब होगी उस पर्सन से आपकी शादी, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या आपके करेंट पार्टनर हैं और क्या उनसे ही आपकी शादी होगी, ठीक है। अगर आपके मन में कोई पर्सन चल रहे हैं तो क्या आपकी उस पर्सन से शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, और कितने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने ज़्यादा चांसेस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्या आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, प्रेजेंट वाले पर्सन से होगी, या कोई न्यू पर्सन होंगे, या फिर कोई एक्स होंगे, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, क्लियरिटी मिलेगी। और आपके पर्सन होंगे कैसे, मतलब उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, उनका लुक्स मतलब कि फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको क्या लव लेटर दे सकते हैं, वो अभी के अभी क्या आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, अपने दिल की बात क्या कहना चाहते हैं, आपकी फ्यूचर स्पाउस और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन है, मतलब कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर कुछ और, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ इस पर्सन के आने की वजह से आपका लाइफ कैसे चेंज होगा, क्या चेंजेस पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते हैं ना, और मैरिड लाइफ कैसा होगा, तो ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन कैसे होंगे, इन लॉस कैसे होंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे, इनका क्या प्रोफेशन होगा, लुक्स वाइज कैसे होंगे, छोटे छोटे चीट्स के थ्रू भी बताऊँगी, रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल में होगा। सो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए आज के आज ही, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ओके। और अगर आपको कोई भी नंबर मिले तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि वो सारे नंबर जो है स्कैमर के हैं, मैंने कभी भी नंबर नहीं दिया आज तक, ठीक है। और मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो जीमेल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी दिया गया है, लिंक उसकी है, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जो है आप इंस्टा आईडी पे पहुंच सकते हो, मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे। और राइट, सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आपकी रीडिंग सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी टाइमलेस रीडिंग है, एक साल बाद, चार साल, दस साल, जब भी आप देखो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर ही जाएगी, ठीक है। मेल है, फीमेल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं या फिर LGBTQ कम्युनिटी के हैं, सभी लोग अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आप दोनों एक होकर रहेंगे या नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाली हूँ। और अगर वो नहीं होंगे तो कौन होंगे, ये भी है, ठीक है, ये भी सवाल उठता है। तो सभी लोग देखिए, आप किसी के लिए देख सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो, और कोई भी एज है आप आराम से देखिए, ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं अभी आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, पॉज करके भी दिखाऊंगी, ओके। सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है सो पाइल वन आपकी रीडिंग होगी, या फिर अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल टू आपकी रीडिंग होगी, ऑलराइट। और कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल है दिस वन, तो जो भी कार्ड आपको ट्रैक कर रहा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, ये बैलेंस का कार्ड है, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है, ठीक है, आप चाहे तो उसे क्लिक करके अपने रीडिंग पे पहुंच सकते हो कार्ड वगैरह सेलेक्ट करके, एंड ये है पाइल टू के लिए। एंड फुल रीडिंग देखिएगा क्योंकि आपको फुल गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, दिस वन, तो ये है पाइल टू के लिए। और सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहेगुरु जिसे आप मानते हो, उनका नाम लेकर अपने कार्ड को, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, ओके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल वन, होप कि आपका नाम ए से अंक के बीच में आता होगा, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, किससे होगी आपकी शादी। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और पर्सनली के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कौन है इनके पार्टनर जिनसे मेरे व्यूअर्स की शादी होगी, कैसे होंगे वो, नेचर वाइज, पर्सनैलिटी, दिस वन, दैट्स ग्रेट। Alright. Okay. Alright.
तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये ऐसे पर्सन है जो कि थोड़े से कंफ्यूज रहते होंगे अपने लाइफ में, थोड़े से परेशान रहते होंगे। आप अपने करंट पार्टनर से भी मैच कर सकते हो, ठीक है। और मैं वैसे आपको बता दूंगी कि किससे होगी आपकी शादी और कितने परसेंट चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी सोचते होंगे ये पर्सन। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी वरी करते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना आउटकम के बारे में सोचते होंगे, जैसे कुछ काम किया, वर्क किया, तो उसके बारे में सोचते ही रहते होंगे कि मुझे और भी वर्क करना है, मुझे और भी पैसे कमाने हैं, मुझे और भी अपना एम्पायर खड़ा करना है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर। ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी उस पर्सन के लाइफ में। मटेरियलिस्टिक थिंग्स से अटैच्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। और मतलब इनका बहुत ज़्यादा शौक होगा कि मेरे घर हो, मेरी गाड़ी हो, धन दौलत हो और मैं तुम्हारे सारे विशेस फुलफ़िल करूँ। इस तरह के हो सकता है कि आपसे वादा भी किए होंगे अगर आपके करेंट पर्सन है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी जल्दी जो है ना रिग्रेट वाली एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब कि कुछ भी इनसे छोटा सा छोटा गलती हुआ तो तुरंत घबरा जाना, परेशान हो जाना, उसके बारे में सोचने लगना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मासूम पर्सन होंगे आपके, ठीक है। इस कार्ड के थ्रू ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत घबराते हैं, परेशान होते हैं, अननेसेसरी सोचते हैं और जो नहीं होने वाला उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं मिली, ये नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, इस तरह से चीज़ें इनके मन में चलती हैं। और इनके डिज़ायर भी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं। मतलब है इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी और की इच्छा है, और मिल जाए मुझे, ठीक है। और हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के लिए कि आपके पर्सन कभी भी इस रिश्ते में, ये मैरिड लाइफ में गलती करेंगे ना तो इनको तुरंत अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, वो उस चीज़ को फील कर लेंगे और आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो इनका नेचर है ये आपके लिए फ़ायदा कर सकता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि कुछ लोगों के जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, ठीक है। वो एकदम इतने ज़िद्दी होते हैं ना कि आप ही को माफ़ी मांगना पड़ता है, गलती आपकी नहीं रहती तब भी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन है इस मामले में बहुत ज़्यादा भोले भाले होंगे, अच्छे स्वभाव के होंगे और ये कभी भी गलती होगी माफ़ी मांगेंगे खुद आकर, ठीक है। कभी आपसे भी गलती हो जाएगी तो वो भी ये पर्सन उस सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में एक शांति की तरह आ रहे हैं, पीसफुल एनर्जी लेकर आ रहे हैं, आपके लाइफ को इनरिच कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये क्लियर है कि आप जैसे पर्सन चाहते हो ना कि मेरी केयर करें, उनसे कभी गलती हो जाए तो वो माफ़ी खुद ही मांगे, ठीक है, मुझे ज़्यादा रोना धोना ना पड़े, तो वो सब कुछ मिल रहा है आपको। पहले कार्ड के थ्रू ये क्लियर हुआ। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो एक तरीके से स्पिरिचुअल पर्सन भी है और स्पिरिचुअल पर्सन होने के वजह से और उसके नाते ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपने लिए भी सोचते हैं और उसके साथ साथ बहुत जल्दी जल्दी वरी भी होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इनको थोड़ा सा और भी मेडिटेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप दोनों मिलकर जो है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन पे ध्यान दोगे, योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे और दोनों के साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है, चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन दूसरों के लिए लाइट बनते हैं, मतलब कि दूसरों के लाइफ में खुशियाँ बनकर जाना, लाइट बनकर जाना, दूसरों को गाइड करना, अवेयर करना, ये इनका सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका लाइफ का पर्पस होगा कुछ ना कुछ, इस तरीके से इनका भी पर्पस दिखाई दे रहा है कि चाहे कितने भी दुखी हो, परेशान हो, दूसरों को गाइड करते हैं, बी अ लाइट टू अदर, ये इनका सोल पर्पस है। और मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन करने से इनकी बहुत ज़्यादा ही जागरूकता हो रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप वगैरह करोगे, ठीक है। अगर हाल फिलहाल में किसी के साथ आप कुछ पार्टनरशिप किए हो, कहीं इन्वेस्ट किए हो सकता है कि वो पर्सन आपकी तरफ आकर्षित है, अट्रैक्टेड है। मे बी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपको प्रपोज कर सकते हैं,
कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट पे ये पर्सन आपको मिले हैं या मिल सकते हैं, ये चांसेस है, लेकिन कोई ना कोई तो है जो कि आपसे छिप कर, ठीक है, आपके बारे में ही और आपके साथ ही जो है बहुत सारे प्लान्स कर रहा है। ये आपके करेंट पर्सन भी हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं ही सिर्फ इसे पसंद करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप भी क्रश हो सकते हो उस पर्सन के, ठीक है, ये चांसेस है। तो आपके जो पर्सन होंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि वो एक बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन हो सकती हैं, या आपको वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, आपके सीनियर आपके बॉस हो सकते हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करते होंगे, और उन्हें फार्मिंग हो सकता है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। और हो सकता है सेंट वगैरह होते हैं, परफ्यूम वगैरह, उस चीज़ का भी इनका कुछ बिजनेस वगैरह हो सकता है, ये चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो पर्सन है प्लानिंग बहुत अच्छा करते होंगे, प्लानिंग करते होंगे अपने फ्यूचर की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैठने वाले पर्सन है, बहुत हार्ड वर्कर मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। सो ये ऐसे पर्सन है ना कि जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो इस पर्सन के वजह से ही आप अपने पास्ट को भूले होगे या भूल कर आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हो, आप थर्ड मैरिज करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ये पर्सन आपके सामने है, इस पर्सन को आप पसंद करते हो, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप शादी करना चाहते हो, इनके साथ घर बसाना चाहते हो, खुलकर मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट करोगे ये पर्सन आपको मिलेंगे ही, बहुत ईजिली मिलेंगे। और अगर मैनिफेस्ट नहीं भी करते हो तो सब कुछ छोड़ देना है भगवान पे, लेट गो एंड लेट गॉड, क्योंकि गॉड ही है जो कि आपके लिए फ्यूचर का प्लान करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होने वाला है इस पर्सन के साथ जिंदगी, मैरिड लाइफ, ठीक है। एक तरीके से पीस कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ अभी पीसफुल है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल टाइप दिखाई दे रहे हैं। अनस्टेबल कहने का मतलब है कि मुझे ये भी कर लेना, मुझे वो भी कर लेना, ठीक है। मतलब इस तरह की शांति है कि हाँ मेरे पास पैसे धन दौलत है, ठीक है, इस तरह की शांति है, लेकिन मन में जो है ना शांति नहीं दिखाई दे रही, मतलब हमेशा और की इच्छा में ये पर्सन रहते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज भी रहने वाले ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि रिश्ते में ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले पर्सन हैं। कहीं पार्टनरशिप कर रहे हो, या कहीं कॉलेज गए हो, कहीं इंस्टीट्यूट में हो, या फिर कुछ भी हो, अगर इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपने फ्यूचर के लिए, सक्सेस के लिए, हासिल करने के लिए, ऐसा नहीं कि फ्यूचर और को या फिर सक्सेस को ख़त्म करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो नहीं, अगर उसको पाना है तो उसमें अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में इनका टॉप प्रायोरिटी हो सकता है इनका जॉब, इनका करियर, ठीक है। क्योंकि जब ये अपने करियर को बनाएंगे तभी तो वो अपने फ्यूचर लाइफ, मतलब कह सकते हैं कि फ्यूचर स्पाउस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो पर्सन है कोई भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, थोड़ा सा रिस्क कम लेते होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सोचने वाले पर्सन है ना कि रिस्क कम लेते होंगे, रिस्क लेने से डरते होंगे, जबकि कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका जो प्लानिंग होता हुआ है उसके वजह से ये अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हासिल कर ही लेते होंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो इतना सोचते हैं ना ये व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है, व्यर्थ नहीं होता, बल्कि उतने सोचने के वजह से उनको सक्सेस मिलता है, ठीक है। ये कभी भी हारे नहीं है, ये चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ, इनको हमेशा ही सक्सेस मिला है। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। द स्टार की एनर्जी है, दैट्स ग्रेट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, अ ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका मैरिज से रिलेटेड जो भी सपना है इस पर्सन के साथ पूरा होगा, ठीक है। कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि देखो मुझे इस रिलेशनशिप में ये चीज़ नहीं मिल रहा, जबकि मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन होंगे ना ये आपको पूरी तरह फुलफिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टार कार्ड आपको ये बता रहा है कि एक फेमस पर्सन भी हो सकते हैं, एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, फेमस प्रोड्यूसर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, वैसे मैं आपको चीट्स लेकर बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल भी हो सकते हैं, ब्यूटिशियन, फैशन डिज़ाइनर, इस तरह के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, द एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए ये जो पर्सन है ना बिल्कुल भी बैठने वाले नहीं हैं, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको वैसे लोग पसंद होंगे जो कि काफ़ी क्रिएटिव होंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है, आप एक आर्टिस्ट हो, या फिर आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो आप
का इनके साथ जोड़ी बहुत अच्छा बैठने वाला है, क्योंकि इनका मतलब होगा कि मुझे ऐसे पर्सन चाहिए जो कि अच्छी भी हो, अच्छा भी हो देखने में, और उसके साथ साथ क्रिएटिव हो, ठीक है, उसके अंदर इनर ब्यूटी हो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना आपके अंदर नोटिस कर लेंगे, और इसी वजह से द इम्प्रेस का कार्ड आया है। इनको हो सकता है फर्स्ट टाइम ही देखकर समझ जाएंगे आपको, फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ इस तरह होगा कि वो सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। उसके साथ साथ अगर आप वर्क वगैरह करते हो, जॉब करते हो, तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे ये तो सोचेंगे कि हाँ इसे मैं तो चेंज कर ही दूंगा, कर ही दूंगी। तो ये कुछ ना कुछ आपके अंदर आपके सोच की वजह से, आपके बात करने के तरीके के वजह से ये कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर देख लेंगे, ठीक है। और इनको ऐसा लगेगा कि यही मेरी परफेक्ट पार्टनर है, और आपको बिल्कुल एक इम्प्रेस की तरह वो ट्रीट करेंगे, एक एम्प्रायर की तरह ट्रीट करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपकी बातें इनको काफ़ी अच्छे से इम्प्रेस करने वाली है। तो बिल्कुल आप अच्छे से रेडी होकर जाना, कभी भी आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। हो सकता है कि कॉल मैसेजेस पे आपने जितनी भी बातें की हो, लेकिन फर्स्ट टाइम जब फेस टू फेस आप मिलोगे तो वो पहला इम्प्रेशन होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो पर्सन है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, खुद भी बहुत क्रिएटिव है। ये कभी भी घर में बैठने वाले पर्सन नहीं है, या फिर घर में भी बैठेंगे ना तो कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, जैसे प्लांटिंग कर लेना, ठीक है, गार्डनिंग कर लेना, इनको बहुत पसंद होगा, फ्लावर्स घर में होना बहुत पसंद है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही अबंडेंट एंड लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे इनके पर्सन, दैट्स ग्रेट, ओके। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई नेचुरल प्लेस पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने विलेज गए हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कहीं घूमने के लिए गए हो, किसी वेकेशन में गए हो, कोई और कंट्री, कोई और स्टेट, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ये खुलकर बातें करने वाले पर्सन है, ओपन कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, कोई भी बातें ये पर्सन आपसे छिपाएंगे नहीं। अगर इनके मन में होगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो ये आपके सामने अ वेरी डिटेल प्लान रखेंगे कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे यहाँ सेटल होना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ के बेसिस पे आपको हासिल नहीं करेंगे, बल्कि आपको सच्चाई के साथ अपने लाइफ में लेकर आना चाहेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे पहले अपने बातों को बताएंगे, बातों के थ्रू वो आप उसको समझ पाओगे कि कैसे पर्सन है। तो यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल रिलीजियस कहने का मतलब ये है कि जो भी इनका रिलीजन है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे, रिलीजन के जो भी रिचुअल्स हैं उसको बहुत फॉलो करते होंगे, और जो भी गॉड एंड गॉडेस हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिचुअल वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं, रिचुअल करने वाले डिवोटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो डिवोटेड सिर्फ एक चीज़ में नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में होंगे, जैसे कि अपने भगवान के लिए डिवोटेड होना, ये हो गया। दूसरा, डिवोटेड अपने काम के लिए पैशनेट होना, ठीक है, डिवोटेड रहना कि मुझे ये करना है तो करना ही है। और दूसरी बात डिवोटेड, तीसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे प्यार करेंगे, तो उसमें भी पूरे डिवोटेड होकर आपको लव करेंगे, ठीक है। जॉली नेचर के भी होंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाएंगे, आप कभी भी परेशान हो, दुखी हो, तो हो सकता है ये आपको अलग अलग तरीके से हंसाने की कोशिश करें, आपका मूड ठीक करने की कोशिश करें। तो अपने काइंडनेस एंड हम्बलनेस की वजह से ये आपको जीत ही लेंगे, आपका दिल जीत लेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जब भी काम करते होंगे, वर्क करते होंगे ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, ये चांसेस हैं। ये पर्सन एक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले पर्सन हो सकते हैं, चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनका बेकरी वगैरह का भी शॉप वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो काम के सिलसिले की अगर बात की जाए तो अपने काम को ये टॉप प्रायोरिटी पे रखते होंगे, काम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। अगर ये बिज़ी रहेंगे तो आपको बता देंगे कि हाँ मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अभी तुमसे थोड़ी देर बात करूँगा या बात करूँगी, तो इस तरह से इनका होगा, ठीक है। और ये चाहेंगे कि आप इन पर ट्रस्ट भी करो, क्योंकि कोई बात अगर ये कह रहे हैं तो वो सच्ची होगा, झूठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आपके लिए आया है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत फेथफुल एंड लॉयल होंगे, और ये जो पर्सन है ना बहुत ट्रस्टवर्दी होंगे और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे तो आप उस समय तो बोल दोगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तो वो समझ जाएंगे कि शायद मैंने टाइम नहीं दिया, दैट्स वाई ये अभी मुझसे परेशान है या फिर रूठी हुई है या रूठा हुआ है। तो उस तरीके से ये पर्सन आपको हंसाएंगे, मनाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो चार चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
सबसे पहले बहुत ट्रस्टवर्दी बॉन्डिंग होगा, मैरिड लाइफ होगा और दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। कभी कभी लेकिन आप चाहोगे कि ये मुझे मनाए, आप कभी कभी रूठ जाओगे, और ऐसा भी है कि आपके पर्सन भी कभी कभी रूठेंगे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा रूठते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और अच्छी बात है, किसी एक पार्टनर को तो फनी होना ही चाहिए, हंसाने वाला होना ही चाहिए, और वो चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बच्चे की तरह भी नेचर हो सकता है थोड़ा सा, वैसे काम के टाइम में बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद है यहाँ पे, ये ऐसे पर्सन है ना कि आपके लाइफ के जो भी चैलेंजेस होंगे उसको रिसॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी आपके लाइफ में जो भी ड्रामा चल रहे हैं ना, उस सारे ड्रामा से आपको ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों से निकाल रहे हैं और आपके लाइफ में पेशेंस लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपका लाइफ एक ड्रामा बना हुआ है, वॉर सिचुएशन में है, आप बहुत परेशान हो, आप निकलना चाहते हो अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर जिसके बीच में भी फंसे हो, वहाँ से निकल कर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो फ्यूचर स्पाउस के साथ, फ्यूचर हस्बैंड के साथ, फ्यूचर वाइफ के साथ, ठीक है। लेकिन हो नहीं पा रहा, तो आप काफ़ी जल्दी इस ट्रॉमा से, जो भी बुरे लोग हैं आपके लाइफ में जिसके साथ ट्रॉमा बॉन्डिंग क्रिएटेड है, वो सारा ट्रॉमा बॉन्डिंग ख़त्म होगा और आप अच्छे पर्सन के साथ, मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है इंजॉय करोगे, वो आपको इन सारे ड्रामा से निकालेंगे। उसके बाद है 10 ऑफ रफेल। सो 10 ऑफ रफेल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। ये सिर्फ कार्ड ऐसा नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके रिश्ते को बता रहा है, बल्कि ये आपके इन-लॉज के साथ भी आपके कनेक्शन को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ। जब आपकी शादी होगी, रेनबो की तरह कलरफुल होगा आपका लाइफ, मैरिड लाइफ, और लव एंड ब्लेसिंग्स आपके लाइफ को फिल करेगा। ऐसा हो सकता है कि अभी आपका लाइफ बिल्कुल अधूरा सा है, कोरा कागज कह सकते हैं, ब्लैंक पेज जो कि बिल्कुल खाली है, लेकिन जब शादी होगी आपकी तो पूरे की पूरी लाइफ फुलफिल हो जाएगी ब्लेसिंग्स के साथ एंड प्यार के साथ, लव के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी होगा, वो अब बात अलग है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खुशियाँ, हैप्पीनेस, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड यस, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस होगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, विथ फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, पर्सन के साथ डेफिनेटली होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो खुद ही जो है आपके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन साथ साथ फैमिली मेम्बर के साथ भी बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और जितना खुश आप अभी नहीं हो, उससे कहीं ज़्यादा खुश आप रहोगे आगे आने वाले टाइम में, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस पर्सन का जोडियक साइन क्या है। देखिए, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकता है इस पर्सन का जोडियक साइन, एयर साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। उसके साथ साथ इस पर्सन का जोडियक साइन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। 6 ऑफ गैब्रियल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है आपको कहीं कॉलेज वगैरह में मिले हैं। देखिए, ये चांसेस है, ये जो पर्सन है आपके अगल बगल नेबर वगैरह के भी हो सकते हैं। वैसे कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको आपके वर्क प्लेस पे मिले, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, 50% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का कार्ड आया है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये जो पर्सन है आगे आने वाले टाइम में 6 मंथ के अंदर आपको मिल सकते हैं। और अगर करंट पार्टनर की बात की जाए कि करंट पार्टनर से आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो देखिए यहाँ पे 50% चांसेस है कि आपके करंट पार्टनर से आपकी शादी हो सकती है। अगर मैच किया है तो और भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। देखिए, ये जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, मतलब इस तरीके से आपके लाइफ में ये ग्रेट फॉर्चून की तरह, गुड लक की तरह इंटर कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है 8 ऑफ माइकल। देखिए, एक रिलेशनशिप कैसा भी हो, चाहे भाई बहन का हो या फ्रेंडशिप हो या फिर सिर्फ रिलेशनशिप चल रहा है, शादी नहीं हुई, या फिर मैरिड लाइफ वाला रिलेशन, तो यहाँ पे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रीडम। और वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा फ्रीडम होगा, ठीक है, एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहोगे और साथ साथ बहुत ज़्यादा करेजियस टाइप भी फील करने वाले हो और कॉन्फिडेंट भी फील करोगे आप अपने पर्सन के साथ। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। और क्या है, तो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फ्रीडम नहीं रहा ना, तो धीरे धीरे, मतलब शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे 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 जो है पूरा मूड खराब हो जाएगा, पूरा रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो फ्रीडम हमेशा दीजिए अपने पर्सन को भी, और हमेशा उनको कहिए कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए हर एक चीज़ को करने का। एंड आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली आपके लाइफ में फ्रीडम होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ रफेल का कार्ड है। क्वीन ऑफ रफेल आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही काइंड, अंडरस्टैंडिंग और साइकिक पर्सन हो सकते हैं,
ठीक है। साइकिक कहने का मतलब है कि आपके दिल में क्या बातें चल रही हैं, आपके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखकर, आपके बोलने के तरीके को देखकर, आपके एक्सप्रेशन को देखकर आपके पर्सन जो है समझ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 10 ऑफ माइकल का कार्ड है। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे ना, तो आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगा। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको करियर में मिल सकता है, करियर एडवांसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो शादी के बाद ज़्यादा आप क्या हो रहे हो, रिच हो रहे हो, अबंडेंट हो रहे हो, ज़्यादा आप मेच्योर हो रहे हो, प्रैक्टिकल और जेनरस हैप्पी पर्सन बन रहे हो। ठीक है, आप शादी के बाद ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो। अभी हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब आप किसी के साथ होंगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, और आप अपने लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, किसी के लिए आप सजोगे संवरोगे, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। उसके बाद है कि बहुत ब्यूटीफुल आपका होने वाला है। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। ये पर्सन एक काउंसलर हो सकते हैं और एडवाइसर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है इन्वायरमेंटलिस्ट भी आपके पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि इनका ऐसा कुछ काम हो जहाँ पे ये नेचर से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर भी ये पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पे चांसेस है कि ये जो पर्सन है बहुत ही कम कंट्रोलिंग नेचर के होंगे, बहुत ही कम। ये पर्सन आपको बिल्कुल आपके सिचुएशन से, बुरे सिचुएशन से आज़ाद कराने के लिए आपको आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों के केसेस में देखा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखेंगे। दैट्स वाई आप दोनों के बीच में ये कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको कब तक मिल सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कब तक मिलेंगे इनको इनके पर्सन। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है आपको नाइट के टाइम में मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर फुल मून या फिर न्यू मून पे ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। स्प्रिंग के टाइम में इस पर्सन से आपकी शादी फिक्स होगी। ठीक है, या फिर न्यू मून फुल मून मैंने आपको बताया। समर के टाइम में शादी इस पर्सन के साथ आपकी फिक्स होगी। और कब हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है 21 मई से लेके 20 जून, तो आगे आने वाले मंथ जून में ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी फिक्स हो। एंड उसके बाद है अगस्त, या फिर विद इन 3 वीक ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि शादी इस पर्सन से आपकी कब तक होगी। दिस वन हो सकता है नेक्स्ट ईयर मई में हो इस पर्सन से आपकी शादी। एंड देन ऐसा हो सकता है कि विंटर के टाइम में हो, या फिर अगस्त या सितंबर के टाइम में। एंड देन फिर से है दिसंबर जनवरी। ठीक है, तो इस टाइम आपकी इस पर्सन से शादी हो सकती है। ऑल राइट, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। L A K C H T, देन यहाँ पे S है एंड O है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। Q U R E Z, एक लास्ट है वो आपका जी। तो ये सारे नेम इनिशियल है आपके पर्सन के। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे। झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गोवा, यूपी, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड देन पुडुचेरी, मणिपुर, बिहार, केरला एंड कुछ लास्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे है चंडीगढ़, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश है एंड कुछ लास्ट है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। सो आपके पर्सन क्या लव लेटर देना चाहते हैं आपको। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं, यू केयर एंड कम्फर्ट मी वेन आई एम इन अ बैड मूड।
जब भी आपका बैड मूड रहेगा या फिर उनका रहेगा तो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा केयर करोगे और कंफर्ट सा फील कराओगे। एंड यू आर द लाइट इन माई लाइफ, तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए रोशनी हो मेरे लाइफ में, ठीक है, तुम हो तो ब्राइटनेस है, खुशियाँ हैं, तुम नहीं तो डार्कनेस। उसके बाद ये पर्सन कहना चाहते हैं, यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार्स। तो ऐसा हो सकता है कि जब भी ये स्टार्स की तरफ, यूनिवर्स की तरफ देखते होंगे स्काई में, तो ये जो है ना सारे ब्यूटीफुल स्टार्स ये आपकी याद दिलाते होंगे इस पर्सन को। एंड देन है यहाँ पे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज बी। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी जो है आपके बेस्ट फ्रेंड से भी हो सकती है, ठीक है, आपके करंट पार्टनर से भी हो सकती है, चांसेस हैं। वैसे ये जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बाउंडिंग होगी, एक फ्रेंडशिप वाली बाउंडिंग हो सकती है, तभी ये पर्सन आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बता रहे हैं। देन यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। सो आपके जो पर्सन है वो कभी भी आपको ऐसा मौका नहीं देंगे कि आप जो है बिल्कुल इनके साथ फ्री ना रहो, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ हमेशा बहुत फ्री सा फील करोगे और इस पर्सन के साथ बहुत सिली थिंग्स करोगे, इंजॉय करोगे, ऐसी एनर्जी है। एंड देन है, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया था और अब भी मैसेज आ चुका है कि आप अपने पर्सन के इनर मोस्ट थाट को फील कर पाओगे, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और आपके पर्सन तो डेफिनेटली समझेंगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है आपके लिए मैसेज कि आपके जो पर्सन है, दिस वन, ओके, कोलंबिया, ये पर्सन जो है कनाडा के भी हो सकते हैं। एंड देन ये जो पर्सन है एंटीगुआ एंड बारबुदा के हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे है मोल्दोवा, मोल्दोवा के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ग्रीस, ठीक है, एंड फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, कोस्टा रिका, स्लोवेनिया के भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, म्यांमार, मंगोलिया, सूडान, लिथुआनिया, एंड देन है यहाँ पे पलाउ, मॉरिशियस, इक्वाडोर, साउथ कोरिया, एंड देन है यूनाइटेड किंगडम के भी हो सकते हैं, ग्रेनेडा, यहाँ पे कोरिया फिर से नॉर्थ कोरिया है, जर्मनी, एंड एक लास्ट वो है आपका दिस वन, ओके, दो, एक है हंगरी, ठीक है। तो ये सारे जो है कंट्रीज़ है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। सबसे पहले 1000 ईयर क्रिस्टीना पेरी, उसके बाद है जाने कैसे रकीब मूवी का सॉन्ग है, एंड एक लास्ट देख लेते हैं वो है एट लास्ट, एंड एक यहाँ पे है यू एंड आई वन डायरेक्शन का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। सो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। सिंगर हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, सिविल सर्वेंट, क्राफ्ट आर्टिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेम मेकर, टीचर, ट्यूटर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, आर्मी मैन हो सकते हैं ये पर्सन, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, डॉक्टर, कोरियोग्राफर, ओके, मॉडल हो सकते हैं, एंड यहाँ पे जज भी है, मेकअप आर्टिस्ट, नेवी ऑफिसर, म्यूजिक कंपोजर, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन। तो ये सारे प्रोफेशन है आपके पर्सन के। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि किससे होगी आपकी शादी। तो देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस तो है कि कोई न्यू पर्सन इंटर करेंगे, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी चल रही है करेंट पार्टनर के साथ तो उनसे आपकी शादी हो सकती है, एंड 50% चांसेस है, एंड यहाँ पे 90% चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे एंड उनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।
हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका नाम एंसर जेड के बीच में आता होगा। तो देखते हैं कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे और उनके साथ आपकी बाउंडिंग कैसी होगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, कौन है इनके फ्यूचर स्पाउस, कौन होंगे इनके पार्टनर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, टू ऑफ अर्थ की एनर्जी है एंड देन है यहाँ पे फोर ऑफ अर्थ। सबसे पहले तो जोडियक साइन में आपको बताना चाहूंगी कि आपके जो पर्सन है उनका जोडियक साइन जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन इट मींस कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। इनकी एनर्जी मुझे प्लेफुल दिखाई दे रही है एंड चाइल्डिश नेचर भी हो सकता है, हंसी मजाक करने वाले पर्सन हो, थोड़े बहुत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन हाँ थोड़े बहुत होंगे। कभी कभी मूड अच्छा रहता होगा तो काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक ये पर्सन करते होंगे। और हाँ थोड़े से कंजूस टाइप भी ये पर्सन हो सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि कमाते तो बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत पैसे होंगे इस पर्सन के साथ, ठीक है पास। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगा कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा खर्च करने में बिलीव नहीं करते होंगे। ये खर्च वहीं पे करते होंगे जहाँ पे इनको ऐसा लगता होगा कि यहाँ से मुझे कुछ अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है पैसे वाले बहुत हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि पैसे खर्च बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, संभल के करते होंगे, फिजूल खर्च नहीं करते होंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि आपको भी अपने पर्सन जैसा बनना चाहिए, कि आप हो सकता है कि आपके पास भी पैसे होते होंगे लेकिन आप फिजूल खर्च करते होंगे। तो एक तरीके से आपको गाइडेंस मिल गया ना, पता चल गया कि आपके पर्सन होंगे कैसे। कंजूस यहाँ पे कहने का ये मतलब था कि सही जगह पैसे लगाना और कम पैसे निकालते होंगे, ये चीज़ है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये जो पर्सन होंगे या होंगी एक बिजनेस वूमेन हो सकती हैं या फिर बिजनेस मैन ये पर्सन हो सकते हैं। तो बिजनेस मैन के बहुत सारे ट्रिक होते हैं, बिजनेस वूमेन के मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं लाइफ के, तो वो उस सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं और भी रिच होते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और वैसे मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इनके लाइफ के और भी गोल्डन रूल्स, ठीक है, और कैसे ये चलते हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ पे है थ्री ऑफ फायर, वाओ दैट्स ग्रेट। ये फॉरेनर हो सकते हैं, बाहर किसी कंट्री के हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है मे बी आपके ही कंट्री के हो लेकिन कहीं बाहर रहते होंगे, या फिर इनका कोई ना कोई प्लान चल रहा है कि मुझे बाहर शिफ्ट होना है। तो ये चांसेस है कि शादी के बाद इस पर्सन के साथ आप किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाओगे और हमेशा हो सकता है वहीं रहो, ऐसा भी चांसेस है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस रिच पर्सन होंगे, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में वो धीरे धीरे अच्छी होते हुए दिखाई दे रही हैं। ये जो पर्सन है ये आपको मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हैं, ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। इतना तो क्लियर है कि जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे अबंडेंस लेकर आएंगे, खुशियाँ लेकर आएंगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो मून की एनर्जी है। देखिए अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या आपके करेंट पार्टनर से आपकी शादी होगी, तो देखिए चांसेस बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपके करेंट पार्टनर से आपकी शादी हो सकती है। लेकिन तभी होगा जब आप अपने रिलेशनशिप को पहले पूरा ठीक करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंट पार्टनर से आप शादी तो करना चाहते हो लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप कमिटमेंट दे चुके हो, आप बोल चुके हो कि मुझे शादी करनी है, और कुछ लोग तो ऐसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि शायद आप वेट कर रहे हो कि वो कमिटमेंट देंगे, वो शादी के लिए पहले बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो ना बोले, आपको ही पहले बोलना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप डर से हो सकता है या फिर शाई हो, बहुत ज़्यादा इसे नहीं बोल रहे हो और आप इंतज़ार कर रहे हो, और शायद ये आपका इंतज़ार इंतज़ार ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चांसेस है कि सबसे पहले आपको अपने पर्सन को बताना चाहिए कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहते हो। आपको अपने तरफ से कमिटमेंट देना है, अपने तरफ से 100% क्लियर रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई आप दोनों का जो रिश्ता है ये अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो अगर आप अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हो तो पहले रिश्ता को अच्छा करना होगा ना, इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूव नहीं होगा और आप
शादी कर लेते तो हो सकता है कि अभी रिश्ता खराब है, हो सकता है इससे भी खराब हो जाए, हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाए, परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो कभी भी कोई भी डिसीज़न आपको लेना है तो सोच समझ कर लेना है। स्पेशली करेंट पार्टनर वालों के लिए ये मैसेज है, पहले आपको अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना है, देखना है कि वो ठीक हो भी रहा है या नहीं। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए और किसी एक नए पर्सन का वेट करना चाहिए, ठीक है? तो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा शादी होने के, लव मैरिज के, लेकिन हाँ इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा और ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको 2 साल भी लग जाए अपने करेंट पार्टनर से शादी करने में। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव। देखिए चीज़ें जो है वो आपके हाथ में दिखाई दे रही हैं, जो भी करेंट पार्टनर से शादी करना चाहते हैं आप अपने तरफ से हो सकता है 100% ठीक कर लो, लेकिन हो सकता है कि वो रेडी ना हो, तो फिर तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़बरदस्ती आप किसी से भी शादी नहीं कर सकते, ना ही रिलेशनशिप में आ सकते, ठीक है? दिस वन। और क्या इन्फॉर्मेशन है? ओके, लाइफ एक्सपीरियंस। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा घूमोगे, उनके साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा नेचुरल प्लेस पे जाओगे और उनके साथ आप लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पे अर्थ के कार्ड बहुत ही ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपके जो पर्सन है उनका जोडियक साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन होगा, ठीक है? और ये जो पर्सन है बहुत ही अच्छे स्वभाव के होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि स्वभाव अच्छा नहीं होगा। हाँ थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि रूड है, जिनका कैप्रिकॉन जोडियक साइन वाले फ्यूचर स्पाउस होंगे, लेकिन हाँ एक्चुअली में बात यह होगा कि वो थोड़ा बिजी रहते होंगे और बिजी रहने की वजह से वो उतना जल्दी किसी को रिप्लाई नहीं करते हैं या बातें नहीं करते, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा। वो अपने ही धुन में रहने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल होंगे, विजडम भरे ये पर्सन होंगे, ठीक है? बहुत ही हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ काम को करने वाले पर्सन हैं फ्यूचर स्पाउस आपके। तो आप खुद ही सोच कर देखिए कि आपको कैसे पर्सन चाहिए, खाली बैठने वाले या फिर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले, अच्छा काम करने वाले, रिच, बिल्कुल वही पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है ना? तो ये अच्छी बात है कि आप अपने पर्सन के साथ लाइफ के सिग्निफिकेंट इवेंट इंजॉय कर रहे हो, इस पर्सन के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप जा रहे हो सकता है कि वो बहुत बड़ा काम करें, उसमें आपके साथ भी पार्टनरशिप करें, आपको भी जॉब दें, हो सकता है आपको भी हर एक चीज़ बताएं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपको इंपॉर्टेंस देंगे, इन शॉर्ट कहा जा सकता है, ठीक है? एंड उसके साथ साथ है फायर साइन भी इस पर्सन का हो सकता है, मतलब कि एरिस लियो सैजिटेरियस भी इस पर्सन का जोरिक साइन होगा। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है? 2 कार्ड है यहाँ पे, वाह दैट्स ग्रेट। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यस, आपके जो पर्सन है वो ड्रीमर है, मतलब बहुत सारे सपने इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इतने सारे इस पर्सन के सपने हैं ना कि मतलब बहुत सारे लाइफ लग जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो मतलब सपने बहुत सारे हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत क्रिएटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत थॉटफुल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, कि चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती होगी, बहुत सोचते होंगे और ये रिस्क टेकर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड फिर से अर्थ साइन का ही कार्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि फॉरेन में रह के पढ़ाई किए हो, ठीक है? ये चांसेस है। और पेशेंट बहुत होंगे, पेशेंस इस पर्सन के अंदर बहुत होगा। अगर कोई इस पर्सन का मजाक उड़ रहा था ना, तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक है? और काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग मैनर में, काइंड मैनर में सामने वाले को जवाब देते होंगे, और या फिर कोई भी चैलेंजेस है अपने लाइफ के चैलेंजेस को काफ़ी काइंडली एंड काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मैनर में डील करते होंगे, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत वार्म एंड सेंसिबल इनका नेचर हो सकता है, क्रिएटिव तो होंगे ही होंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो आपका कोई भी फाइनेंशियल मैटर है, इश्यू है, वो सॉल्व होगा, कोई लीगल केस है वो सॉल्व हो सकता है और आपको गुड न्यूज़ मिलेंगे, ठीक है? और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं आपके पर्सन के बारे में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सो यूनिटी दिखाई दे रही है, चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों एक बन के रहोगे, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यूनिटी होगी, ठीक है? हो सकता है बहुत सारे इधर उधर के लोग आपको भड़काने की कोशिश करें आपके पर्सन के बारे में, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करें, ये करंट पर्सन के लिए भी हो सकता है, हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो बहुत सारे थर्ड पर्सन आएंगे, मैंने आपको बताया ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन आप दोनों को कोई अलग नहीं करेगा। हो सकता है कि आपके करेंट पार्टनर से ही आपकी शादी हो, अभी हो सकता है रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन 5 महीने बाद, ठीक है, आपका रिश्ता अच्छा हो जाए और आगे आपके पर्सन सोचने लगे
ठीक है, तो ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो भी न्यू पर्सन इंटर करेंगे या करेंट पर्सन से आपकी शादी होगी, आपका मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत यूनिटी होगी। ठीक है, आप हमेशा अपने पर्सन की सुनोगे, आपके पर्सन हमेशा आपकी सुनेंगे, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की नहीं सुनेंगे, ना ही कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन लॉस के साथ भी आपका कनेक्शन मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब यूनिटी उनके साथ भी दिखाई दे रही है। ठीक है, ट्रेडिशनल होंगे आपके पर्सन, कुछ लोगों के थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो सकते हैं आपके पर्सन, सोच हो सकती है, ठीक है, लेकिन हाँ आपके जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअली ऑर्गेनाइज्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। एंड 10 ऑफ अर्थ आपको ये बताता है कि अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ होगा। अगर आप मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हो सकता है कि आप सेकेंड या थर्ड मैरिज वाले हो, या फर्स्ट मैरिज हो गई, डिवोर्स हो गया, या किसी भी वजह से आप बिल्कुल अकेले हो, सिंगल मदर, हो सकता है कि आपकी बेबीज भी हो, ठीक है, या फिर सिंगल फादर, तो हो सकता है कि आपकी शादी होगी और एक बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा जो कि आपके बेबीज को भी पूरी तरह एक्सेप्ट करेगा। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, और आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और राइट, सो और भी कार्ड्स लेकर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है। देखिए, 10 ऑफ अर्थ पूरी तरह आपको ये समझाता है कि कनेक्शन जो है लॉस के साथ भी अच्छा होगा, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव होंगे, ठीक है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ड्रीमर का कार्ड मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो पर्सन है वो एक ड्रीमर तो है, और साथ साथ आप इनके साथ रहते रहते आप खुद भी एक ड्रीमर बन जाओगे, मतलब तो आपके भी बहुत सारे बड़े बड़े सपने क्रिएट होने लगेंगे, ठीक है, सोचने लगोगे, देखने लगोगे, और आप उसको पूरा भी करोगे। देखिए, स्टार कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो खुशियाँ आपने अभी अपने ज़िंदगी में नहीं देखी, वो आगे आने वाले टाइम में देखोगे, इन्जॉय करोगे, हैप्पी टाइम होगा, लाइफ में लॉन्ग टर्म प्लान करोगे और बिल्कुल सही पाथ पे रहोगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड चैरियट की एनर्जी है, शादी के बाद आप कहीं किसी और जगह चले ही जाओगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है, मतलब ये आपका एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हो सकता है, मतलब हमेशा से आप किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में जाना चाहते थे, अपने फेवरेट प्लेस पे, एंड ऐसा हो रहा है कि शादी के बाद वही जगह जा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रांग अफर्मेशन रहा होगा, या स्ट्रांग मैनिफेस्ट रहा होगा, या विजुलाइज किए होंगे और वो पूरा होने वाला है। ठीक है, चैरियट आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही तेज तरार होंगे, बहुत ही विजडम भरे होंगे, झूठ बोलोगे ये पर्सन तुरंत आपको पकड़ लेंगे, सच बोलोगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के अंदर। सही को परखने की, गलत को परखने की काफ़ी अच्छी नॉलेज दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन इस पर्सन के अंदर है, ऐसा हो सकता है कि अपने काम में बहुत ज़्यादा फेमस हो, ठीक है, लोग इनको बहुत ज़्यादा पूजते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हाई ऑनर दिखाई दे रहा है, ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है इंटेलिजेंट होंगे, आइडियलिस्टिक पर्सन होंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करने वाले पर्सन हो सकते हैं, मतलब कोई इवेंट में इनको बुलाया गया और वो इवेंट इनके बिना अधूरा रहेगा और इनको जाना ही होता होगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पढ़े लिखे बहुत होंगे, फॉरेन से भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पर्सन के लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 3 ऑफ अर्थ, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप टीम वर्क करते हो, अगर आप वर्क प्लेस पे हो, और शायद अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो सकता है कि उनसे आपकी शादी हो जाए, ठीक है, अ वेरी क्वालिटी वाला आपका लाइफ होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्वालिटी टाइम इस पर्सन के साथ स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, या फिर करोगे। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आप टीम वर्क करते हो, ये वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, ये चांसेस है, ठीक है, जानते हो आप इस पर्सन को, ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका जोडिक साइन एरिस लियो सैजिटेरियस मैंने आपको बताया है, उसके साथ साथ एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चांसेस है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु नेचर के होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको दिखेगा कि दयालु है, लेकिन हाँ जब ज़रूरत पड़ेगा तो ये चैरिटी भी करते होंगे, हेल्प भी करते होंगे, कंपैशनेट होंगे, दयालु होंगे, और इसी वजह से ना इनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है समाज में, लोग पूछते हैं, इनको प्यार करते हैं, कल्चर्ड पर्सन है और ट्रस्टवर्दी है,
मतलब अगर कोई काम के लिए कमिटमेंट दे दिए या किसी को कुछ बोल दिए तो ये पर्सन उस चीज़ को करते ही होंगे, ठीक है। जो इंसान अपने कमिटमेंट पे खड़ा नहीं होतरेगा उसकी शायद कोई इज्जत भी नहीं रहेगी, ठीक है। वो बोल देगा कि हाँ मैं तुम्हें बहुत हेल्प करूँगा या हेल्प करूँगी, लेकिन अगर वो हेल्प कर ही नहीं रहा है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, उसकी इज्जत खुद ही जो है डाउन हो जाएगी। लेकिन आपके जो पर्सन है वो सभी की हेल्प करते हैं, अगर एक बार कमिटमेंट दिया है तो उसको करके भी दिखाते होंगे। वैसी एनर्जी है आपके पर्सन की, और क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है ना किसी पे भी डिपेंडेंट रहने वाले नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आपके जो पर्सन है वो आपके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे फाइनेंशली, ठीक है। ये स्पेशली इनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो मेल देख रहे हैं, और आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी, फ्यूचर वाइफ होंगी, वो बिल्कुल भी आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। वो अपना काम करना चाहेंगी, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगी, और इन्होंने भी बहुत सारे वर्क किए हैं, जॉब करती होंगी, एक्सपीरियंस्ड होंगी आपकी पर्सन, ये चीज़ है, ठीक है। तो दोनों के लिए ही है, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, आपके जो पर्सन होंगे वो इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे हर एक तरीके से, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, बहुत रिच रहना, एक्सपीरियंस्ड रहना, ठीक है, रियलिस्टिक एनर्जी में रहना, कोई दिखावा नहीं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है कंट्री को सर्व करते होंगे, आर्मी वगैरह के हो सकते हैं। जैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ, थ्री कार्ड्स और। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि इनका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, ठीक है। और एम्बिशियस पर्सन होंगे, कुछ करना चाहते होंगे लाइफ में, ऐसे बैठने वाले पर्सन नहीं होंगे, ठीक है। और एक लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन के अंदर होगी, जहाँ भी रहते होंगे ये लीडरशिप क्वालिटी में ही रहते होंगे, लोगों को गाइड करते होंगे, लोगों को अच्छे से क्या करते होंगे, मोटिवेट करते होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे इनका अगर बात किया जाए तो एम्पैथेटिक बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसा है ना कि लोग तो बोल देते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपनी सिंपैथी दिखा देते हैं, ठीक है, सहानुभूति दिखा देते हैं, लेकिन सच में उसको अच्छे से नहीं समझते उसकी सिचुएशन को। लेकिन आपके जो पर्सन होंगे ये एक एम्पैथेटिक पर्सन होंगे, अगर किसी के हेल्प कर रहे हैं, किसी के सिचुएशन को समझ रहे हैं तो उसमें ढल जाते होंगे, ठीक है, फील करते होंगे, तो ये चीज़ है। और इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत डीप रहेगा, बहुत गहरा रहेगा, और हमेशा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम को, सिचुएशन को समझेंगे। एंड यहाँ पे थ्री ऑफ वाटर का कार्ड आ चुका है, मतलब वेडिंग का कार्ड है, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है कि 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर शादी वगैरह आपकी फ़िक्स हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में किसी की बेबी वगैरह हो तो उस टाइम आपकी शादी फिक्स हो, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इन लॉस कैसे होंगे आपके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, कैसे होंगे इनके इन लॉस। ओके, शाइन अच्छी कार्ड है, ब्यूटीफुल। एंड देन है चेंज योर फोकस। ऑलराइट, और देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे इन लॉस इनके। ब्लॉसम, देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जब आपकी शादी होगी तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, ठीक है, कि मेरे इन लॉस कैसे होंगे, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ये इम्ब्रेस का भी कार्ड है, एंड साथ साथ यहाँ पे कार्ड है आपका हीलिंग बिगेंस का, तो दैट्स ग्रेट। यहाँ पे इस पर्सन के साथ और आपके इन लॉस के साथ आपकी हीलिंग ही होगी, खुशियाँ ही होंगी आपके लाइफ में, कोई टेंशन नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं आपको बताऊँगी आपके जो पर्सन है वो कब तक आपके लाइफ में आएंगे। देखिए यहाँ पे चांसेस है रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन में ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कब तक आ सकते हैं इनके लाइफ में इनके पर्सन। ओके, सडनली आ सकते हैं, विद इन 2 मंथ। समर सीजन, ठीक है, या फिर 1 ईयर लगेगा, 1 ईयर। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको नाइट के टाइम में मिले, फुल मून, न्यू मून, हो सकता है नाइट के टाइम में ये आपको प्रपोज करें, ठीक है, या फिर विद इन 3 मंथ। देखते हैं शादी कब होगी, तो देखिए शादी होने के चांसेस नवंबर दिसंबर में या रेनी सीजन, ठीक है, विद इन मंथ भी दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों की शादी फिक्स हो चुकी है तो विद इन मंथ शादी हो, या फिर नेक्स्ट ईयर के मई में हो सकती है, ठीक है, और देख लेते हैं कब हो सकती है। या फिर विंटर सीजन में होगी, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, सितंबर, ये सारे शादी होने के मंथ हैं, ठीक है। कब तक मिल सकते हो वो भी मैंने आपको बताया, और शादी कब तक हो सकती है वो भी मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन हैं वो कौन से स्टेट के हैं। दमन एंड दीव, तेलंगाना, मेघालय, छत्तीसगढ़, मिजोरम,
बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड है, यहाँ पे देन है उड़ीसा एंड कहाँ के हो सकते हैं इनके पर्सन, हरियाणा, राजस्थान एंड एक लास्ट पुडुचेरी। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आया है आपके लिए आई जे वी, डी आर जेड, पी टी जी, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है, एल बी एंड एक लास्ट है वो आपका वाई। ठीक है, तो ये सारे नेम इनिशियल। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सबसे पहले है ये कहना चाहते हैं, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली एंड देन यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। ठीक है, ये होना भी चाहिए, ठीक है, मैरिड लाइफ में, एक रिश्ते में। तो आपके जो पर्सन है वो आपको माफ़ करेंगे, आप उनको करोगे, यू लव मी लाइक नो अदर, ऑल राइट, वी कैन स्पेंड आवर डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। ये भी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। देन यहाँ पे है, वी कैन चैट फॉर एवर, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, यू लव अनकंडीशनली, दैट्स ग्रेट। एंड देन है यहाँ पे, यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स, यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, एंड एक लास्ट है वो है आपका, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। तो ये सारे लव लेटर आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, ओके, प्रोफेशन यहाँ पे हेयर ड्रेसर हो सकता है आपके पर्सन का, देन यहाँ पे डॉक्टर हो सकते हैं पर्सन, इंजीनियर, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, पायलट, मेंटल हेल्थ काउंसलर, एयरफोर्स ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड देन है एडवोकेट, और दिखते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकता है इनका प्रोफेशन, कोरियोग्राफर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, सिंगर, ग्राफिक डिज़ाइनर, प्रोफेसर, राइटर, मेकअप आर्टिस्ट है, जज है यहाँ पे, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर या स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं, एयरफोर्स एयर होस्टेस हैं, एंड दो लास्ट है यहाँ पे, अकाउंटेंट्स एंड ब्यूटिशियन। ठीक है, एंड देन मैं अब आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन हैं, फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपको मिल सकते हैं होटल, देन यहाँ पे है ऑर्फनेज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जू, फ्रेंड्स, फ्रेंड के घर पे मिल सकते हैं पर्सन आपको, लाइब्रेरी है, टेंपल है, एंड देन फ्रेंड्स होम, चर्च, ब्लॉन्ड हेयर कलर यहाँ पे हो सकता है, लुक्स के लिए ये डिफरेंट है, वैसे मैं आपको बता दूंगी लुक्स भी, बुक स्टोर पे ये मिल सकते हैं आपको, एंड किसी पब में मिल सकते हैं, स्कूल, किसी मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हैं पर्सन, एंड कुछ लास्ट है जैसे होम है आपका, ऑफिस, मॉस्क्यू, इंस्टीट्यूट, जिम एंड एक लास्ट है वो आपका फैमिली। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अरेंज मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं 80% एंड 20% चांसेस है कि आपकी लव मैरिज हो। ठीक है, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे। सबसे पहले ब्लॉन्ड हेयर कलर एंड देन है गुड लुकिंग होंगे आपके पर्सन, एथलेटिक हो सकता है, स्पोर्ट्स के हों ये पर्सन, रेड हेयर हो सकता है इस पर्सन का, वेल ब्यूल्ड, ठीक है, टॉल नोज होगा, एंड देन है डार्क आईज, फ्लेक्सिबल, स्टनिंग लुक होगा, लॉन्ग हेयर, डिफेंसिव एंड प्रोटेक्टिव होंगे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, वेवी हेयर हो सकता है इस पर्सन का,
ठीक है, सावले हो सकते हैं, सरप्राइजिंग होंगे, एंड मे बी इस ये जो पर्सन है कर्व लिप्स हो सकता है, इस पर्सन का मीडियम हाइट हो सकता है, फिट होंगे आपके पर्सन, स्ट्रेट हेयर, अट्रैक्टिव शॉर्ट हेयर हो सकता है इस पर्सन का, क्रूग लिप्स, मीडियम बिल्ड एंड एवरेज हाइट, स्ट्रिक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन होंगे आपके पर्सन, एंड एक लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका जेंटल होंगे। तो ठीक है, ये सारे लुक्स हैं नेचर के लिए आपके पर्सन के। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। सबसे पहले चांदनी रात अली सेठी का सॉन्ग है, देन है आई लॉस्ट यू हवाना यार का सॉन्ग है, तुझसे नैना लागे अनवर मूवी का सॉन्ग है, सारे सॉन्ग्स ब्यूटीफुल हैं, तेरा ही रहूं गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है, सुन सकते हो, तेरे बिन जिमी सरगिल, साजना रे गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है, एंड देन है ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, एवरी ब्रेथ यू टेक द पुलिस का सॉन्ग है, एंड देन है यहाँ पे ओ सनम लकी अली का सॉन्ग है, सुन ले जरा अरनम दत्त, एंड एक लास्ट है यू से। ठीक है, तो ये सारे सॉन्ग्स जो है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अभी के अभी डेडिकेट करना चाहते हैं। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए अल्बेनिया, ठीक है, ओके, ब्रुनाई, देन है यहाँ पे दिस वन सिंगापुर, आइसलैंड, ठीक है, वेनुआतू, न्यूजीलैंड, देन आपके पर्सन मदागास्कर, क्रोएशिया, उज़्बेकिस्तान, एंड देन है यहाँ पे आपका लेबनान, ईरान, पापुआ न्यू गिनी, एंड यहाँ पे है हॉन्जुरस, देन ये पर्सन हंगरी के हो सकते हैं, जर्मनी है, यहाँ पे ऐसा चांसेस है साउथ कोरिया के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड यूके के भी हो सकते हैं, एंड देन है स्विट्जरलैंड, टोंगा, तजाकिस्तान, यहाँ पे है लाओस, ठीक है, एंड यहाँ पे है कर्गिस्तान, ठीक है, एंड एक लास्ट मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका स्लोवाकिया के बाद पोर्तुगल। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल डिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।